कल कहाँ पे थे अपन? हाँ, सो यस्टरडे वी वर स्टडीइंग वो सब ना, कि मतलब यूनिकनेस और ये फलाना ढेमका है कि नहीं। हाँ सर, ठीक है, तो आज की भी क्लास बहुत लंबी नहीं है, छोटी क्लास है। एक्चुअली छोटी भी नहीं है, एक्चुअली लंबी भी नहीं है, एक्चुअली अच्छी है। तो देखते हैं कैसी है। ए, कल मैंने तुम लोग को वेट वाले क्वेश्चन नहीं भेजे ना? अच्छा, डी का वो होमवर्क था, हाँ सर, एग्जाम्पल डी का एनसीईआरटी वाला ना। कल की क्लास कितने बजे है? सेम टाइम है ना? हाँ सर, हाँ सर, ओह, चलो ठीक है। लिखो लिखो। देखो, अभी जो है ना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो नोट करो, लिखो। लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। डेफिनेशन है, ठीक है? डी वाले क्वेश्चन सारे बन गए हैं? आज तक कोई डाउट्स हैं? तीन डाउट्स है। तीन डाउट्स हैं, ठीक है। कल अपने को 2 घंटे की क्लास कैसे भी जुगाड़नी पड़ेगी। तो अपने को वो भी डिस्कस करना है ना, एमएल खन्ना वाला है ना, जो भी बुक आपको जो फोटो भेजा था 12 क्वेश्चन वाला, और ये डी वाला। कल 2 घंटा जुगाड़ना पड़ेगा कहीं से। कल कोई स्लॉट है क्या आपका? वो 1.5 घंटे को कहीं कर सकते हैं। तो आपके कितनी क्लास है एक ही है सर, कल सिर्फ कितने आपकी बजे? क्लास ही है सर टाइम टेबल में। अच्छा, मेरी क्लास है बस। हाँ सर, अरे बहुत हाँ अच्छा, फिर सर, आप लोग आराम से पढ़िए, जो कल की क्लास रही थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे उसको। क्या होता है, रात हो थक जाते हैं। ठीक है, लिनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? व्हाट वी विल डू कि 3 से 4 महीने डिस्कस कर लेंगे और रात को पढ़ा देंगे। नॉट बैड, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन। सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ फॉर स्केलर्स एक्स वाई जेड, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी डॉट 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 इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 डॉट 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 ओनली। अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट जब अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 हुआ है, उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 हो जब उनके कोएफिशिएंट्स इंडिविजुअली 0 हो, एल्स एल्स द सिस्टम इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, एल्स द सिस्टम इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। कुछ आया स्कूल से आप लोग के इंफॉर्मेशन कि 4 से एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ऑनलाइन ले हैं? ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं। ऑफलाइन ही लेंगे अब? नहीं, ठीक
फालतू में चलो ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, इतना क्लियर है क्या? उन्होंने वापस पीटीएम उटीएम करी क्या कि अब मे में बोर्ड है तो अब क्या करें, कैसे पढ़ाएं, कुछ बोल रहे हैं स्कूल वाले, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोला अभी तो। जी उनके पेरेंट्स टीचर है यार, कुछ इन्फॉर्मेशन उन लोग देते नहीं हो, इंटरनल खबरें यार कुछ तो बता रहे होंगे ना आप, साई सुजन मिश्रा हुआ, श्रेया हुए, आप लोग के पेरेंट्स टीचर है ना, बताओ ना कुछ तो इंटरनल खबरें यार, क्या चल रहा है, मतलब वो लोग कैसे मेरे तक पढ़ाने वाले बच्चों कैसे करने वाले हैं? हमारे में तो वही बोला है कि पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे, क्या पढ़ाएंगे। सर ठीक है, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ फॉर एक्स वाई जेड, ये चीज को दिमाग में बैठाओ पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होता है that will only be possible if all the coefficients are individually zero, else the system is called linearly dependent. ये बात समझ में आती है क्या कि a b c h set, मतलब समझ रहे हो ना कितने सारे, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये linearly independent कब होगा, जब अगर उनका lc zero हुआ है, lc मतलब linear combination, तो अगर उनका LC 0 हुआ है तो X 0, Y 0, Z 0 ही हो, else the system is called linearly dependent. Else the system is called linearly dependent. ये बात समझ में आती है कि अच्छे से, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर linear combination non zero scale non zero coefficients पे हो रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, linearly Dependent. क्या ये बात अच्छे समझ में आती है? हाँ सर। हाँ भाई। क्योंकि वेक्टर का सब important part चल रहा है। रब करें इसको copy कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है। तो theorem one लिखो। Theorem one लिखो। Theorem 1, a pair of non-zero, non-collinear vector is a linearly independent system. Independent system. Understand the gist of the question. Question क्या कह रहा है? Pair of non-zero, non-collinear vectors is linearly independent system. So how do we proceed? कैसे करें proceed हम? Let ध्यान देना. Let A and B be बोलो. नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इतना क्लियर है? लेट ए एंड बी बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, बोलो क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। लेट एक्स एंड वाई बी स्केलर्स सच दैट उनका एलसी जीरो हुआ, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक्स और वाई जीरो, एक्स और वाई जीरो, ठीक है। सो लेट्स से एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बी वेक्टर, तो क्या हो गया? के बी वेक्टर, मतलब ए और बी कैसे आ गए? Collinear. But given है ना कि non collinear, that implies क्या हो गया? Contradiction. Contradiction आ गया, that implies क्या हो गया बोलो? X has to be zero. ये बात समझ में आती है? हाँ sir. Similarly, Y non zero माना, तो कितना हो गया? B बताओ. Minus X by Y into A vector. That means
बी इज इक्वल टू बोलो भाई के बोलो भाई ए वेक्टर दैट इंप्लाइज बी और ए कोलीनियर दैट इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन दैट इंप्लाइज वाई जीरो है ना। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर ए और बी का एलसी जीरो हो रहा है तो एक्स एंड वाई हैज टू बी जीरो डेफिनेटली जीरो। तो एक्स एंड वाई हैज टू बी डेफिनेटली जीरो दैट मीन्स it is linear independent that means a and b are are bolo yaar that means a and b are linearly independent are om vyakul class mein hai kya ha sir a and b are linearly independent are baat samajh mein aati hai kya ha sir samajh mein aaya to aap ek baat dhyan rakho नॉन कोलिनियर इज सेम एज सेइंग एल आई मतलब एल आई है तो क्या होगा नॉन कोलिनियर और नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा एल आई। अच्छा नॉन कोलिनियर है तो एल आई होगा तो नॉन कोलिनियर होगा ये बात समझ में आती है ना। हाँ सर बोथ आर इंटरचेंजेबली द सेम टर्म व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोलिनियर दैट दे आर नॉट कोलिनियर मतलब ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है ना दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर सभी को क्लियर है थ्योरम वन? कॉपी करिए नहीं भी क्लियर है तो ये लाइन क्लियर रखो नॉन कोलिनियर इज इक्वल टू एल आई। सर आई यू मुक्ता चौहान आप लोग सवा नौ में ज्वाइन कर रहे हो मजाक चल रहा है पढ़ाई का यार ऐसा थोड़ी ना होता है। थोड़ा साइड हो जाएंगे अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। थ्योरम टू अ ट्रायड ऑफ
नॉन जीरो नॉन कोप्लानर अ ट्रायड ऑफ नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स अ ट्रायड ऑफ नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड वाइसे वर्सा. वाइसे वर्सा मतलब कॉन्ट्रेरी भी ट्रू है. मतलब कॉन्ट्रेरी भी ट्रू है गधे. कॉन्ट्रेरी मतलब पता है उल्टा. उल्टा सर. वाइसे वर्सा मतलब एलआई है तो नॉन कोप्लानर हुआ है ना. कैसे प्रूव करें बताओ. कैसे प्रूव करेंगे बताओ. लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लेट ए बी सी बी सच अ ट्रायड. ओके अरे यस सर नो. तो नाउ एक्स वाई जेड बोल देंगे वैसा स्केलर है तो क्या लिखा हुआ है. एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो. ठीक है. नाउ लेट से एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा बोलो. ए इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बी प्लस अरे बाबा बोलो भाई माइनस जेड एक्स बाई सी. ये चमकता है तो क्या हो गया. लैम्डा न्यू प्लस म्यू सी मतलब ए इज कोप्लानर विथ बीएनसी. दैट इंप्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन दैट इंप्लाइज एक्स हैज टू बी जीरो. सिमिलरली y and z y 0 and z 0 मतलब अगर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स का ट्रायड है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. मतलब अगर कभी तुमको नॉन कोप्लानर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दिख रहा है तो तभी पॉसिबल है जब वो लीनियरली उनके कोएफिशिएंट्स 0 होंगे. अगर तुमको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कोप्लानर वेक्टर्स 0 दिया हुआ है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनके कोएफिशिएंट जब कोएफिशिएंट्स 0 होंगे. व्हाट्सएप में. अरे हाँ इतना क्लियर है क्या. मतलब वापस बोलूं कि अगर तुमको कोई लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन कोप्लानर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो ये कब पॉसिबल है. जब उनके कोएफिशिएंट 0 होंगे है ना. और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो नॉन जीरो कोप्लानर वेक्टर्स होंगे का ट्रायड होगा. हाँ ये बात समझ में आती है. हाँ सर. सबको समझ में आ गया क्या. हाँ सर. तो चलो फिर इसको सी में रसगुल्ला खा लेता हूँ. तुम लोग कॉपी करो. Thank you.
और तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है श्रेया स्टैंडर्ड्स ऑफ में? सो अब तक कुछ बताया नहीं. क्लासेस चल रही हैं, बंद हो गई क्लासेस? सो शायद चल रहा है. तुझे कुछ नहीं पता? अरे सर, मैंने सारे गधों को कभी बात ही नहीं सुनता है मेरी. सबको कहा था कि स्टैंडर्ड्स ऑफ में लो उस साल. तो कितना सब लोग चिल लाइफ होते. श्रेया को पता ही नहीं है कि स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा. लास्ट क्लास कब अटेंड करी है श्रेया स्कूल की? तो मैंने अटेंड इंग्लिश किया था शायद अगस्त सितंबर में. गुड यार. तो एक बात बताओ श्रेया, अगर तुम अटेंड नहीं कर रही हो फिर तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे क्यों नहीं हो रहे? मार्क्स तो बहुत अच्छे होने चाहिए ना बेटा. कुछ तो गड़बड़ कर रही है ना. मैं फोन करना मुझे क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर. फोन करना, कुछ गड़बड़ कर रही है तू पढ़ाई में. पता है तेरे पास बहुत टाइम है, मतलब योर परफॉर्मेंस शुड जस्ट शूट अप. कुछ तो गड़बड़ी हो रही है तेरी पढ़ाई में. मैथ्स में मान सकता हूँ, मैथ्स में कम मार्क्स आई एक्सपेक्ट, बिकॉज मैंने मतलब मैं बस बेसिक्स ही करा रहा हूँ. मतलब तो शीट नहीं शुरू करी, डीप नहीं शुरू करी, तो मुझे मालूम है. बट बाकी में तो मार्क्स इम्प्रूव होने चाहिए ऐसा लगता है मुझे. चलो ठीक है, ये कॉपी कर लिएगा सब लोग? हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखो. नेक्स्ट थ्योरम लिखो. एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर वेक्टर्स इज लीनियरली. अभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा. Every set of four vectors is linearly dependent. चलो बताओ कैसे. बोलो. Let A, B, C, D be four vectors. बताओ. I want to listen to new people. बोलो भाई. Let A, B, C, D भी चार वेक्टर. So now, दो क्लास पहले क्या पढ़ाया आपको मैंने? लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? एनी वेक्टर. अरे एबीसी फोर वेक्टर्स बोल रहा ना मैं, ठीक है? तो लेट से कि ए बी सी एल आई है. लेट से ए बी सी नॉन लेने की बात है ना. मैंने ए बी सी को नॉन को प्लेनर ले लिया एक केस में. मैंने क्या पढ़ाया आपको बोलो? एनी वेक्टर, हेलो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बताया था ना कल, पैरेलल पाइपेट बना के. हाँ सर. सो नाउ व्हाट हैज बीन फोर्स्ड ऑन यू कि डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ऑलवेज linear combination of ABC. So now we have XA plus YB plus ZC plus minus 1 into D vector equal to 0. Now इससे मैं बोल रहा हूं कि ABCD LI है. बताओ कैसे बोल रहा हूं. ABCD के LIness के लिए क्या चेक करना पड़ेगा आपको बताओ? डी का कोएफिशिएंट ऑलरेडी माइनस वन दिया है. हाँ गुड यार. जेड वन सी कौन बोल रहा है? किसकी आवाज थी ये? साई सुजन की आदित्य दुबे. साई. एक्स वन वाई वन जेड वन डब्ल्यू वन डी जीरो शुड इम्प्लाई क्या बेटा? एक्स वन जीरो वाई वन जीरो जेड वन जीरो डब्ल्यू वन जीरो यही होना चाहिए था ना. लेकिन यहाँ पे एक्स तो है y भी है z भी है लेकिन d का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या हो गया है? माइनस वन. तो x y z कुछ भी हो एक वैल्यू तो माइनस वन हो गई ना.
हाँ सर, तो ए बी सी डी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हुआ है, लेकिन चारों का कोएफिशिएंट जीरो है क्या? नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम एक्स वाई जेड जीरो हो भाई, लेकिन डी का तो माइनस वन हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ सर। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? हाँ सर। दैट मींस हमने क्या प्रूव कर दिया? लीनियरली डिपेंडेंट। ए बी सी डी लीनियरली डिपेंडेंट। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर आपने ये केस कंसीडर किया है, मान लो ए बी और सी डी नॉन कोप्लानर, सर ए बी को ए बी सी कोप्लानर, तो क्या होगा? आप बना के देखो ना सारे केस में, आपको खुद सीखना पड़ेगा ना क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा ये चलो ठीक है, कॉपी करो इसको। अरे प्रतीक राज, प्रतीक राज, अब यार फिर से प्रतीक राज। हाँ सर। लास्ट में कितने मार्क्स आए तेरे? लैम्डा पी और लैम्डा क्यू नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी पैरेलोग्राम ऐड करते हो उसका डायगोनल अलोंग द एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, तो रोम्बस का ही डायगोनल अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है। हाँ प्रतीक, लास्ट में मार्क्स कितने आए तेरे मैथ्स में? सर मैंने दिया नहीं। क्यों बेटा? प्रतीक क्यों नहीं दिया? सर लगा कमाएंगे इसलिए। अच्छा तो टेस्ट बंद थोड़ी ना हो जाता है? टेस्ट तो अभी मेरे ख्याल से तुम पोर्टल खोलो तो टेस्ट ऑन होगा, है ना? हाँ सर। जरा कल बड़ा कल टेस्ट देना सुबह, तो अगर मेरी नेक्स्ट क्लास अटेंड करना चाहते हो तो ठीक है। और तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो मैं नहीं जानता, मैथ्स का टेस्ट दो तुम एक घंटे में, ठीक है प्रतीक? हाँ सर। कब से टेस्ट नहीं दे रहा है? सर इसके हेलो हेलो, अरे श्रेया आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। प्रतीक कब से टेस्ट नहीं दे रहा है? सर इसके पहले वाला नहीं दिया था। तो दो टेस्ट छोड़ चुका है तो अभी तक, है ना? अरे बोलेगा हाँ या ना? हाँ सर। तो जब इसका पिछला टेस्ट छोड़ा तो भी सोच के छोड़ा कि कम मार्क्स आएंगे, ये टेस्ट छोड़ा तो भी सोच छोड़ा कि कम मार्क्स आएंगे, तो क्या प्लान क्या किया है, क्या बोलने वाला, क्या 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 कैसे पढ़ने वाला, क्या करने वाला है? बोलो प्रतीक, लास्ट टेस्ट में तो मतलब बहुत लोग मार्क्स आए थे, तुम तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं हो। प्रतीक बताओ, क्या प्रतीक बताओ दिक्कत क्या रही है? हेलो प्रतीक, क्या हो गया बेटा बता ना? अरे बोलेगा? हाँ सर। बोल ना क्या सोच रहा है? बोलो। अरे भाई प्रतीक बताओगे, तुम्हारा ये टेस्ट नहीं छोड़ा तुमने, पिछला टेस्ट छोड़ा, तो क्या सोच रहे हो? नवी को टेस्ट देना नहीं है अब से आगे से? देना है। तो कैसे दोगे? तुम्हारा तो मन, तुम्हारा तो हिम्मत चली गई, तुम्हारी तो हिम्मत ही चली गई ना टेस्ट देने की। तो घर में क्या पेरेंट्स कुछ बोले नहीं टेस्ट नहीं दे रहे हो तो? हाँ सर। तो क्या बोले पेरेंट्स को तुम? प्रतीक क्या बोले तुम पेरेंट्स को? सर बोला नेक्स्ट वाला दूंगा। जानते हो ये नेक्स्ट कभी नहीं आता है, ये एक कोन होता है, कोन, ठीक है? और इस कोन में क्या है ना, ये स्लिपरी कोन होता है, और इस कोन से मैं लाइफ में कई बार गुजर चुका हूँ, प्लीज डोंट डू दिस। समझ रहे प्रतीक? हाँ, तुम देखो, तुम तो बेटा मई का एग्जाम टारगेट कर लो, अप्रैल का एग्जाम टारगेट कर लो, प्रेशर हटा लो, लेकिन तुम ये मत करो, ठीक है? मैं ऑलमोस्ट श्योर था 11th में तुमको देख के तुम आईआईटी जाओगे,
मैं आज भी मेरा दिल कहता है तुम आईआईटी जाओगे, ठीक है, ये सब मत करो। और मैं एक फोन कॉल दूर पे रहता हूँ, तो तुमने लास्ट टाइम टेस्ट छोड़ा, हिम्मत नहीं हुई टेस्ट देने की, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया सर ऐसा ऐसा हो गया मैं क्या करूं? हाँ बेटा, प्रतीक, हाँ सर, क्या हो गया बताओ, छोटी क्लास से बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। लग करें? हाँ सर। कॉपी कर लियो प्रतीक? हाँ सर, वीडियो से कर लूँगा। कॉपी करना भाई, अभी तो कॉपी को नहीं किया है फिर तूने, कॉपी कर, तू कॉपी नहीं करता क्या लेक्चर नोट्स साथ में? सर अभी आप बोल रहे थे तो फिर हो गया सर। रैप करें इसको, ठीक है? तो ये तीन थ्योरम्स थे, फाइन, इन तीन थ्योरम्स का जिस्ट समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, अभी आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, बेसिस कंपोनेंट्स, सॉरी कुछ दिख नहीं रहा तुमको, बेसिस कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर, बेसिस कंपोनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? ध्यान देना अब, to represent a set of parallel vectors for base, base मतलब जिसके respect में, for base we require any one vector. Now all other vectors can be expressed as linear multiple of other. ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, मतलब मान लो कि एक वेक्टर ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, तो दिस इज, दिस विल फॉर्म अ बेस फॉर ऑल द वेक्टर्स विच आर ऑल द वेक्टर्स सच दैट जो इसके कोलिनियर है, ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो जैसे ये वेक्टर होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के वन ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकता हूँ, के टू ए वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ बोलो, के थ्री ए वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ बोलो, K4A vector. ये बात चमकती है? हाँ सर। तो यहाँ पर, तो इस पूरे सिस्टम में जो A वेक्टर है ना, is acting as base for set of collinear vectors. ये बात चमकती है? हाँ सर। K1 या K2 या K3 या K4 are coordinates. मान लो ये जो है आपका B वेक्टर है, ये मान लो C वेक्टर है, ये मान लो D वेक्टर है, ये मान लो E वेक्टर है, are coordinates of B, C, D, E. ये बात चमकती है?
और ये बात समझ में आती है क्या? K2, K3, K4 आर कोऑर्डिनेट। ओके सर, आर कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर K1A इज कंपोनेंट, K1A इज कंपोनेंट, K1A इज कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ये एक सिंपल सिस्टम क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। बोलो सर, वेक्टर के लिए पैरेलल और कोलिनियर सेम ही होता है? फ्री वेक्टर पैरेलल एंटी पैरेलल का सूप को मिला के कोलिनियर बनता है। अच्छा, ओके सर। एक बार नोट्स पढ़ो वापस से, भूल गई हो। रैप करें। नाइस। सर थोड़ा साइड हो सकते हैं क्या?
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, सेकंड टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब एल आई फॉर्म बेस फॉर अ प्लेन एज एनी वेक्टर है ना, कैसे बताओ? अगर दो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं इसका मतलब क्या होता है? वो हमेशा कोप्लेनर है ना, दो वेक्टर्स तो बताए ना हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो अब इस प्लेन का कोई भी वेक्टर जो आर वेक्टर होगा दैट कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस एज एक्स ए प्लस वाई बी, ये चमकता है क्या? ठीक है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फॉर्म बेस फॉर अ प्लेन, प्लेन बेस फॉर अ प्लेन, ऐसा नहीं हर प्लेन, फॉर सम प्लेन। कौन सा प्लेन? अरे मतलब अगर मान लो कि मैंने दो वेक्टर ऐसा लिया, ठीक है, दो वेक्टर मैंने ऐसा लिया जमीन से पैरेलल, तो कौन कौन से प्लेन का बेस बना रहा है ये? जमीन से, जमीन के पैरेलल जितने भी प्लेन है उन सब में ये दोनों वेक्टर शिफ्टेबल है ना, तो उन सारे में जो भी वेक्टर्स होंगे उसको मैं ए और बी का एलसी में एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या होगा? ए बी एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और कंपोनेंट क्या होगा? एक्स ए, एक्स ए वेक्टर और वाई बी वेक्टर। ये बात समझ में आती है क्या? थर्ड चीज, थ्री नॉन, बोलो अब तो समझ में आ रहा होगा, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब एल आई फॉर्म, बोलो, बेस ऑफ स्पेस, बेस ऑफ स्पेस। कैसे? स्पेस का कोई भी वेक्टर मैं ए बी सी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई, एक्स वाई जेड, और कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक्स ए वाई बी वाई बी जेड सी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो नॉन, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर इंप्लाइज एल आई है ना, और थ्री इंप्लाइज क्या? बेस ऑफ प्लेन, और थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर इंप्लाइज एल आई एंड फॉर्म अ बेस ऑफ स्पेस, बेस ऑफ स्पेस। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो।
अरे कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। सब लोग कॉपी कर लिए यहाँ तक? एक सेकंड। हाँ सर। सिंपल सी बात है यार, बेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक्स एक्स प्लेन में कहते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्सिस है, बेस है, सबको उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ना, जब करें इसको। हाँ सर। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस एक्स वाई प्लेन में लुक्ड विथ क्रेमर्स रूल। अच्छा, तीन लाइन कंकरेंट होती है, ये कंडीशन 11th में ड्राइव किया था, याद आ रहा है क्या कंडीशन? तीन लाइन की कंकरेंसी की कंडीशन हम लोगों ने 11th में डिराइव की थी। क्या होगी कंडीशन बताओ? कंकरेंसी कंडीशन है। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? तीनों एक ही पॉइंट मिलते हैं, एट अ पॉइंट, मतलब कंसिस्टेंस। मतलब कंकरेंसी मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट ना। हां सर। तो क्या कंडीशन थी? A1, B1, C1, अरे याद है कि नहीं याद है ये? A2, B2, C2, A3, B3, C3 equals to 0, ये थी ना कंडीशन? हाँ सर। यही कंडीशन थी। तो अगर इसी चीज को अगर हम क्रेमर्स रूल के थ्रू देखें, उस दिन सैयद ने पूछा था, इसमें से बता दो सबको, क्रेमर्स रूल के थ्रू देखें तो क्या सोच सकते हैं बताओ? कुछ फील आ रही है? उस दिन जो सैयद ने पूछा था, सैयद ने जो पूछा था यही था ना? कुछ फील आ रही है क्या? जेड को फिक्स कर दिया, जेड की वैल्यू कैसी हो गई? जेड की वैल्यू कैसी हो गई? नॉन जीरो ना, जेड इज नॉन, भाई जेड का वैल्यू वन हो गया ना यहाँ पर, जेड का वैल्यू वन हो गया ना, इसका मतलब जेड इज नॉन जीरो ना। इसका मतलब तुम्हें सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन चाहते हो? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हो ना? हाँ सर। सिस्टम का तुम कैसा सॉल्यूशन चाहते हो? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन क्या होती है? डेट जीरो। डेट जीरो। तो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 equals to 0. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस एक्स वाई प्लेन लुक्ड विद रिस्पेक्ट टू क्रेमर्स रूल, ये चीज क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर।
ठीक है अभी कल ही क्लास रात में रखते हैं, ठीक है सुबह नहीं कर पाएंगे। एक काम करना कल एक बार वो जो 12 क्वेश्चन थे ना एक बार उनको वापस से बना लेना, कल वो डी वाला डिस्कस कर लेंगे और इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक है। और प्रतीक राज तुम मुझे फोन करो। हाँ सर। चलो ठीक है, कॉपी सबने कर लिया? हाँ सर।